नेशनल वेलफेयर एसोसिएशन हमीरपुर की बैठक जिला अध्यक्ष एल एस मस्ताना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर अतिरिक्त महासचिव मनोहर लाल कानगुक ने उपस्थित सभी सदस्यों को एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान पेंशन भत्ते को अतिरिक्त पेंशन में परिवर्तित करने और लंबित पड़े चिकित्सा भत्ते की अदायगी करने के लिए बजट प्रावधान का सरकार से आग्रह किया गया। इस मौके पर पूर्व प्रधान ए के कौड़ा ने कहा कि पेंशन भत्ते को अतिरिक्त पेंशन में परिवर्तित करने के बारे में मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है। उन्होंने इस विषय पर आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में 17 दिसंबर को राष्ट्रीय पेंशन दिवस आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री से 7वें वेतन आयोग का क्रियान्वित करने का आह्वान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चिकित्सा भत्ते के बिलों की अदायगी के लिए शीघ्र बजट का प्रावधान करने का आग्रह भी किया जाएगा। बैठक में उत्तम सिंह ठाकुर, पुरुषोत्तम शर्मा, पीएन शर्मा, आईडी सोनी, एसडी गुलजार, तोताराम के गर्ग, मिलाप ठाकुर, वीआर ठाकुर, लक्ष्मी राम, आरआर रोहन आदि मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी की मीटिंग है पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की, जो आज यहाँ पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में रखी गई है, और इसमें मेन मुद्दा है जो हमारी 5, 10, 15 का जो डिमांड है हमारी, ये इसकी प्रायोरिटी के लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे, मेमोरेंडम देंगे सरकार को, इससे अनुरोध करेंगे कि जो अतिशीघ्र इस पर निर्णय लिया जाए। दूसरा, मेडिकल बिल जो हैं वो काफ़ी 2 सालों से बहुत सारे एम्प्लॉयज के पेंडिंग हैं, तो उसके लिए भी हम स्टेट बॉडी की तरफ से भी सरकार को आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसके लिए धन उपलब्ध करवाएं, ताकि जो पेंडिंग बिल हैं एम्प्लॉयज के, खास करके पेंशनर्स के जो हैं, वो उनका शीघ्र भुगतान हो सके।